नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये रेनो चार्ज और शक्ति चार्ज में यूज होने वाला पीसीबी है और इसके जो हमारा मॉस्फेट ड्राइवर सेक्शन है उसके जो डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें देख लें, ये एक चैनल ए और एक चैनल ए, तीन तीन मॉस्फेट इसमें यूज किए गए हैं। तीन मॉस्फेट ये है, तीन मॉस्फेट ये है, ठीक। ये डीसी फ्यूज है और बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, और यहीं पे आप देखेंगे एक डायोड ये और एक डायोड ये, जो कि एक ये है और एक ये है। ये आईसी यहाँ पे है और एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे फाइव ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, और सेम इसी से मिलता जुलता, यानी सेम जिस डायरेक्शन में ये है, यानी जैसे मान लीजिए इसके कलेक्टर नीचे हैं, इसके कलेक्टर ऊपर है, तो जो ऊपर और नीचे डायरेक्शन है इसके जितने भी ट्रांजिस्टर हैं ये सब के जो है सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी इसे समझने के लिए कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं और ये कहाँ से कौन सा कनेक्शन इसे अटैच है। अब इसमें थोड़ा सा ये घुमाओ इसका जो है इधर से यहाँ तक आने वाला जो ये सिग्नल है ड्राइव, ये आपको यहाँ पर बहुत ही नज़दीक लाकर इसे हम कर दिए हैं, जो कि काफ़ी इजी होगा कि 14 नंबर पिन से यानी 14 पिन यहाँ से आउट होगा ये माइक्रो आईसी से और यहाँ पे जाएगा और यहीं से जो है ये सीधे यहाँ निकलता है इसके मॉस्फेट के गेट पे। इसकी सिग्नल इंडिकेशन हम आपको दे देते हैं, ये इंडिकेशन हो गया, यहाँ से ये आउट हो रहा है। ये आपको काफ़ी इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि ये पीसीबी अगर फॉल्ट होता है किसी कंडीशन में तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि इसे जब रिपेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आउट हुआ और यहाँ से ये यानी यहाँ से इन हुआ, इस पिन से आउट होगा, यहाँ पे इन होगा और फिर यहाँ से आकर ये सिग्नल आउट होगा जो कि सारे गेट पे यानी मॉस्फेट के गेट पे जा रहा है। यहाँ से देखिए ये पीछे से इसके यानी इस मॉस्फेट के बैक साइड से यहाँ पे गया है गेट पे। और दूसरी बात, ये जिस डायरेक्शन में है मॉस्फेट, जैसे ये कंडीशन है, ये ऊपर वाला चैनल ये है, यानी ये जो हमारा डीसी फ्यूज है ये नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ जो हमारा सेक्शन बन रहा है ये सेक्शन सेम है, जैसा कि आपको इस कोड नंबर से मिल जाएगा कि Q11, 12, Q8, Q4, Q5। अब देखिए इसमें जब प्रॉब्लम आते हैं गेट ड्राइव को लेकर या तो मॉस्फेट जलने को लेकर, तो इसमें क्या है कि जब ये मॉस्फेट बर्न होते हैं तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी फॉल्ट हो जाते हैं। मान लीजिए एक साइड के जले हैं, जैसे इस पीसीबी में शॉर्ट हो गए हैं या बर्न हो गए हैं, यानी जब कभी कभी मॉस्फेट शॉर्ट भी होते हैं तो ऊपर से आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें लुमिनस की तरफ से जो इसकी डिज़ाइन की गई है गेट के वोल्टेज को काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा है, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है कि गेट के वोल्टेज जो हाई होने से ये बचाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो दो दो जगह पे जो है इसके प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किए गए हैं, यानी ये सर्किट पूरा कंप्लीट इसके गेट एरिया के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये डिज़ाइन है, इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव है। इसमें ज़रा सा भी कोई बात होती है ये तुरंत जो है
सिस्टम को अलर्ट कर देता है और सिस्टम से आउट होने वाला गेट वोल्टेज ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी अदर प्रॉब्लम से, कुछ कंपोनेंट के प्रॉब्लम से भी ये गेट वाल्व्स आउट नहीं हो पाते, और एक बार आप ऑन करते हैं ये तुरंत टी से करके बंद हो जाता है। ये लुमिनस में अक्सर देखे होंगे, अगर दो या तीन बार आप दोबारा ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर रीसेट नहीं होता। जब आप बैटरी का तार फिर से निकाल कर फिर लगाएंगे तब जाके फिर ऑन होगा, नहीं तो दो बार से तीसरे बार ऑन ही नहीं होता, यानी स्विच ऑन ऑफ बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्या है कि इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दूंगा, जिससे आप कोई भी पीसीबी इसके हैं, यानी चाहे शक्ति चार्ज हो चाहे रेनो चार्ज है, तो उसको आप बहुत इजीली तरीके से इसे जो है ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपका ये बजर से बीप आता है कंटिन्यू और ये आउट नहीं होता गेट वोल्टेज, वो आपको एक बाईपास मेथड बताएंगे जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने वोल्टेज हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वोल्टेज हैं, यहाँ तीनों पिन पे जो जो वोल्टेज लिखे हैं ये सब ऑपरेट हैं, रनिंग कंडीशन के वोल्टेज हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मॉस्फेट का जो डायरेक्शन है इसी सेम, यानी हमारे इस हाथ पे, दाहिने हाथ पे देखेंगे तो ये सोर्स है, और यहाँ पे यानी इस डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो ये सोर्स हो गया और ये हमारा लेफ्ट गेट हो गया और बीच में ड्रेन हो गया। ये मॉस्फेट के गेट और सोर्स के डायरेक्शन है। कि आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो मॉस्फेट को ऐसे रखें और सेम अपने तरफ फ्रंट में इसको जो है नंबर को सामने रखें, और ये वर्टिकली ऊपर की तरफ रहे। जो आपका ये हमारा दाहिने साइड यानी राइट साइड हैंड होगा वो होगा सोर्स, और ये लेफ्ट साइड जो होगा यानी लेफ्ट हैंड पे वो होगा गेट। यहाँ पर आपको दिखा दें, जैसे इस सेक्शन का मैंने बनाया है। अब देखिए सेम ये इसी कंडीशन में है ये मॉस्फेट, और यहाँ पर देखेंगे ये बीच में ये जो ग्राउंड है यानी इसका बैटरी का नेगेटिव, ये सोर्स से, तीनों सोर्स से जॉइंट है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस साइड में आ जाइए, ये है ये गेट, तो यहाँ पर देखिए तीनों गेट अलग अलग हैं। तो ये आपको समझने के लिए मैंने इस टाइप से डिज़ाइन किया है। अब देखिए क्या है कि अगर किसी भी चैनल में यानी हमारा चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में प्रॉब्लम होगा, अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो भी ये हमारा गेट वोल्टेज यहाँ से आउट नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, उसके लिए ये है कि अगर मान लीजिए एक हमारा ओके है और एक ही में फॉल्ट है, तो भी आपका जब ऑन करेंगे तो बजर से बीप आएगी कि ऑन हो गया, और जैसे फुल कंडीशन में पहुंचता है ऑन के फिर तुरंत ये कंटिन्यू बीप देता है, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया है इसके वीडियो में। अब इसमें देखिए क्या है कि इसके लिए यहाँ पर देखें, ये जो है ये तीन बोल्ट यहाँ से यानी थ्री बोल्ट बनते हैं, ये और ये दोनों चैनल पे जाएंगे। ये थ्री बोल्ट यहाँ एक जिनर लगाकर, ये देखिए कभी कभी ये आपके रेजिस्टेंस अक्सर फॉल्ट मिलते हैं, आपने 875 में देखा होगा कि जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाते हैं यानी बैटरी के पॉइंट से जो स्टार्टिंग होती है हमारी पॉजिटिव सप्लाई की, यहाँ से होती है R7, आप पीसीबी में देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक डायोड लगा है D1 के बाद एक सप्लाई बनी है जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देने का काम करते हैं, ये ट्रांजिस्टर के लिए वर्किंग के लिए। फिर दूसरी एक सप्लाई बनी है जो कि 3 वोल्ट जीनर से बनाया गया है, जो कि यहाँ पे यानी दोनों चैनल पे जाएंगे इस ट्रांजिस्टर के और सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के। तो ये क्या है कि ये स्पेशल सप्लाई इसके लिए 3 वोल्ट दोनों जगह के लिए यहाँ पे बनाई गई है, एक सप्लाई यहाँ पे बनाई गई है, ये भी दोनों जगह पे जाएंगे, यानी यहीं से ये सेकंड चैनल के लिए भी हो जाते हैं चैनल टू।
यानी दोनों सप्लाई जैसे यहाँ पे जा रही हैं ऐसे सेम यही कंडीशन सेकंड वाले पे जाएगा और डिजाइन भी सेम रहेगा। अब देखिए आपका अगर मान लीजिए ये जो फीडबैक यहाँ से मिल रहा है जैसा कि कल हम बताए हैं ये आपको सही पोजीशन में 8.4 वोल्ट यहाँ से आउट होंगे जब दोनों के गेट बराबर होंगे। अगर किसी कंडीशन में एक के गेट बैलेंस नहीं है या बराबर नहीं है एब्सेंट हैं यानी एक के हैं और एक के नहीं हैं तो भी इस कंडीशन में आपका ये बीप दे देगा और ये आउटपुट गेट वोल्टेज नहीं आउट होंगे। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ से आप इसे जो है कट कर दें ऐसे। अब ये कट करने के बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखेंगे ये जो है 11 नंबर पिन है, ये 11 नंबर पिन है, ये 14 यानी 14 नंबर का पिन है ये, और ये पिन नंबर एक है। तो ये 11 नंबर से पिन से जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस का यहाँ से जो है कट कर दें, या जो जम्पर लगा हुआ है यहाँ एक जम्पर देखेंगे जम्पर का J38 J38 है यानी 38। यहाँ पर देखें ये जो यहाँ से ऐसे एक जम्पर लगा होगा, जम्पर का निशान ए है, वहाँ पे कोड में लिखा होगा J38। ठीक यहीं से ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ये क्या होगा कि जब इसे हटा देंगे ओपन कर देंगे तो ये अब क्या होगा यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है यहीं से एक वायर लें इस रेजिस्टेंस के थ्रू और ये ऐसे लाकर इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर यहाँ पे 6 पे सॉरी 1 2 3 4 5 पिन नंबर 5 यानी 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 6। ये मेन सेंसिंग का ऑप्टो कपलर है, इसके बीच वाले पॉइंट पे यानी 5 नंबर पे डायरेक्ट एक जम्पर लगा दें जिससे ये आपका जो बीप देता है वो बंद हो जाएगा और ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से वोल्टेज गेट से आउट करने लगेगा। अब आप यहाँ से ओपन करके पिन से डिसकनेक्ट करके आप एक एक चैनल को मेंटेन कर सकते हैं, यानी एक यहाँ पे और एक चैनल यहाँ से जो आउट होता है, यानी दोनों चैनल को बैलेंस करके आप एक एक करके क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि ये फॉल्ट जो है कई कंडीशन में आते हैं, ये बीप वाला इतना सेंसिटिव ये एरिया है इसका कि ज़रा से भी अगर कहीं इसके कहीं भी पेन हुआ दर्द हुआ तो ये तुरंत क्या होगा कि ये जो है प्रोटेक्शन में डाल देगा, यानी सिस्टम से हमारा जो है ड्राइव बोल्ट आउट होना बंद हो जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है कि मॉस्फेट की सेफ्टी को लेकर, सॉरी पेन को लेकर, यानी जो दर्द का बता रहे उस पर थोड़ा सिस्टम यही समझिए सेम इसकी जो डिज़ाइन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे ही ये थॉट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल ही होते हैं, जो हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन भी होता है। जैसे हम अपने बॉडी को सेफ रखने के लिए सोचते हैं तो ऐसे यहाँ पे मॉस्फेट को सेफ करने के लिए सेफ रखने के लिए ये सारे प्रोटेक्शन को डिजाइन किया गया है कि हर कंडीशन में मॉस्फेट हमारा सेफ रहे, लेकिन रियर कंडीशन में फॉल्ट हो ही जाते हैं। ये हमारा चार्जिंग कंडीशन में एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जिससे मॉस्फेट हमारे शॉर्ट नहीं होते या जलते नहीं, और रियर केस में कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ज्वाइंट कर सकते हैं PCB पे।
अब ध्यान दीजिए, ये पीसीबी है, यहाँ पे मैंने एक वायर जोड़ा है यहाँ। अब दिखाते हैं आपको ऑन करके, ध्यान दें इसके बीप पे। ठीक, आपने रिले की आवाज़ सुनी और बीप की। अब यहाँ पे वोल्टेज मल्टीमीटर पे ध्यान दें। यहाँ देखिए, हम गेट वोल्टेज को दिखाते हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जो बाईपास किया है, ये 8.2 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक, 8.162 ही है, और ये बैटरी वोल्टेज है जो कि 12.2 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे जो जम्पर का हम बताए हैं आपको, ये देखिए यहाँ ओपन किया गया है। ये हटा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से इसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रियर कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी अदर जगह पे फॉल्ट होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम करता है, तुरंत ये जो है हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है, और ये हम क्लियर नहीं कर पाते कि ये सिस्टम आईसी सही है कि नहीं सही है, क्योंकि जब तक हमारे ड्राइव बोल्ट आउट नहीं होंगे मॉसफेट के लिए, तब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि ये सिस्टम आईसी सही है कि नहीं, क्योंकि पहले ड्राइव बोल्ट हम दोनों चैनल को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेन सेंसिंग पे काम करते हैं, और मेन सेंसिंग के लिए हम अदर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि मेन सेंसिंग के लिए कौन कौन से पिन कैसे उसे क्लियर करें कि हमारी सिस्टम आईसी सही है या नहीं।